हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको अगस्त में रिलीज फिल्मों के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें से कुछ फिल्म अच्छी है तो कुछ बहुत अच्छी है। आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर एक, परीक्षा। यह फिल्म 6 अगस्त 2020 को G5 पर रिलीज की गई है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं प्रकाश झा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं आदिल हुसैन और प्रियंका बोस। इस फिल्म की कहानी इमोशनल और सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। फिल्म का कैनवस सुपर 30 से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी कहानी बेहद रोचक है। नंबर दो, गुंजन सक्सेना द कारगिल वॉर। यह फिल्म 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं शरण शर्मा। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी। फिल्म की कहानी पूर्व भारतीय वायुसेना के पायलट गुंजन सक्सेना की अविश्वसनीय वास्तविक जीवन पर आधारित है। कहानी में गुंजन सक्सेना के संघर्ष और वीरता के बीच लैंगिक भेदभाव को पर्दे पर उतारा गया है। कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर गुंजन सक्सेना को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान साहस दिखाने के लिए शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर तीन, खुदा हाफिज। यह फिल्म 14 अगस्त 2020 को हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं फारूक कबीर। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं विद्युत जामवल, शिवालिका ओबराय और अन्नू कपूर। यह फिल्म एक्शन ड्रामा फिल्म है। पता है हम भारतीयों के साथ दिक्कत क्या है, जब हमारी सरकारें हमें नौकरी नहीं दे पाती तो हमें मजबूरन विदेश में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। खुशी से कोई नहीं जाता, बल्कि केवल अपने परिवार के भविष्य के लिए दूसरे देश, दूसरे समाज में खुद को खपाने जाना पड़ता है। सोचिए, ऐसे में अगर आपका कोई विदेश में नौकरी करने गया हो और बहुत बुरी स्थिति में फंस गया हो, तो आप उसे बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है खुदा हाफिज की। नंबर चार, मीर अक्सम। यह फिल्म 21 अगस्त 2020 को G5 पर रिलीज की गई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बाबा आजमी ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है नसरुद्दीन शाह, अदिति सुवेदी, दानिश हुसैन, श्रद्धा कौल। इस फिल्म की खास बात यह है कि यह बिना किसी राजनीतिक पचड़े में पड़े बगैर अपनी बात को कहती है। इसी वजह से ज़्यादा प्रभावी तरीके से यह संदेश देने में कामयाब रहती है कि कला का कोई मजहब नहीं होता, कला बस कला है। फिल्म इस उम्मीद से भी रोशन है कि युवा पीढ़ी इस बंटवारे से इत्तेफाक नहीं रखती है। नंबर पाँच, क्लास ऑफ 83। इस फिल्म को भी 21 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अतुल सबरवाल ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं बॉबी देओल, अनूप सोनी, विश्वजीत प्रधान। यह फिल्म हुसैन जैदी के उपन्यास क्लास ऑफ 83 पर आधारित। यह फिल्म मुंबई पुलिस और गैंगस्टर ड्रामा को कुछ अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करती है। बॉलीवुड में जहाँ ज़्यादातर फिल्मों ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया से रूबरू कराया है, वहीं इस फिल्म ने दर्शकों को पुलिस प्रणाली से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन कहानी में नयापन कुछ भी नहीं है। नंबर छः, सड़क 2। इस फिल्म को 28 अगस्त 2020 को हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं महेश भट्ट और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं संजय दत्त, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर। इस फिल्म में बदले की आग, प्यार और रिश्तों की कहानी को दिखाया गया है। देश भर से फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी निंदा मिली थी। नंबर सात, राम सिंह चार्ली। यह फिल्म 28 अगस्त 2020 को सोनी लिव पर रिलीज की गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नितिन कक्कड़। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुमुद मिश्रा, दिव्या दत्ता और आकर्ष खुराना। जब इंसान सिनेमा और नौटंकी से बोर हो जाता है तो देखने निकलता कुछ ऐसा जो साक्षात भी हो और जिसमें रोमांच भी हो। जानवरों से प्रेम करने का अभियान शुरू हुआ और सर्कस बंद हो गए। सिनेमा में भी अब जानवरों को दिखाना हो तो तमाम अनुमतियां लेनी होती है या विदेश में जाकर शूटिंग करनी होती है। राम सिंह चार्ली की कहानी इन्हीं लकीरों के बीच बची खाली जगहों से होकर गुजरती है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।